नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव में डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने जाम लगाकर किया हंगामा। बारा सगवर थाना क्षेत्र के बक्सर में गंगा पुल पर बुधवार सुबह बेकाबू डंपर के बाइक सवार युवक को रौंद दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बाइक नंबर से शव की पहचान कर परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे आक्रोशित परिजनों ने जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद कार्यवाही का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया और शव पोस्टमार्टम को भेजा। पुलिस ने डंपर कब्जे में लिया है। जिला फतेहपुर के थाना कल्याणपुर के बरुआ गांव निवासी नरेंद्र कुमार का 20 वर्षीय बेटा अरविंद बारास गवर के बक्सर निवासी पंकज दुबे के यहाँ काम करता था। सुबह बाइक से घर बरुआ गांव जा रहा था। गंगा पुल के बीच फतेहपुर की ओर से आ रहे अनियंत्रित डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस और बाइक नंबर से शनाख्त कर जानकारी परिजनों को दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने मार्ग में जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि घटनास्थल फतेहपुर का है। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना पुलिस को शव पोस्टमार्टम के लिए सौंप दिया गया है। अरविंद के दो छोटे भाई राजू व विनय हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।